कांग्रेसी आगुआ ने रुझाना दे नतीजा ते अपना प्रतिकरण दिता है। ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਇਨ ਗੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ, ਸੋ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। नहीं 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 कोई डर नहीं है, वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड। नो आई थिंक इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। निश्चित रूप से हमारे लिए निराशाजनक है, अभी परिणाम आने बाकी है, लेकिन रुझान है वो हमारे लिए चिंताजनक और निराशाजनक है। हमें इस तरह के निर्णय की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया, जो फैसला देगी, हम उसे पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें, ऐसा क्योंकि उनका निर्णय है। जहां तक है कि हार की वजह क्या, तो हार की वजह बड़ी स्पष्ट है कि जो 10 साल में इतने सारे काम हमने जनता को, आम आदमी के लिए किए थे, जनता के लिए किए थे, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे शहरीकरण योजना हो, चाहे जो है भूमि अधिग्रहण हो, चाहे ये स्वास्थ्य की योजनाएं हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, बहुत चीजें हमने जनता को दी। लेकिन हमारा प्रचार अभियान जो था उसमें भी बातें लोगों को नहीं बता पाए, लोगों को याद नहीं दिला पाए कि हमने ये सब कुछ किया। और मोदी जी ने एक जबरदस्त सपना बेचा कि हम चांद भी देंगे, तारे भी देंगे, सितारे भी देंगे, सूरज भी देंगे, धरती भी देंगे, आसमां भी देंगे, जो कुछ है सब आपको ला के दे देंगे। मित्रों, चुनाव परिणाम के जो ट्रेंड्स हैं वो अभी तक जो सामने आए, नीचे कर लो यार, उन ट्रेंड्स को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यूपीए की इस चुनाव में पराजय को हम जनादेश के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में इस देश के विकास के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन लगातार 10 वर्षों तक सरकार और सत्ता में रहने के कारण अनेक बार हम जनाकांक्षाओं को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज जो परिणाम आए हैं, लोकतंत्र की उस परंपरा को जिसका सम्मान कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया है, उसी परंपरा को बनाए रखते हुए हम इस जनादेश को सर माथे लेते हैं और इसे हम स्वीकार करते हैं। एक भूमिका राजनीतिक हर राजनीतिक दल की होती है, हम अपनी भूमिका, भावी भूमिका पर आत्मचिंतन करेंगे और उसके बाद हम अपनी भविष्य की भूमिका तय करेंगे। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।